साइबराबाद में दिशा गैंग रेप और हत्याकांड के आरोपियों के एनकाउंटर पर सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर की याचिका। 11 दिसंबर को होगी सुनवाई। याचिकाकर्ता जीएस मनी ने सुप्रीम कोर्ट से मुठभेड़ को फर्जी बताते हुए की थी अपील, जल्द करे सुनवाई, लेकिन हाईकोर्ट में 2:30 बजे सुनवाई आज। साइबराबाद में दिशा गैंग रेप और हत्याकांड का एक और सीसीटीवी वीडियो आया सामने। वीडियो में दिख रहा टोल प्लाजा के पास खड़ा ट्रक, कुछ देर बाद ट्रक में बैठता दिखा ट्रक ड्राइवर, ट्रक स्टार्ट कर टोल प्लाजा पार करता दिखा। इसी वीडियो से पुलिस को मिला था आरोपियों का अहम सुराग। पुलिस के मुताबिक इसी ट्रक के पीछे दिशा ने खड़ी की थी अपनी स्कूटी और दिशा को बेहोश कर ट्रक में डालकर अगवा कर ले गए थे आरोपी। कर्नाटक सियासी नाटक से आज हो सकता है आखिरी दिन, उपचुनाव के सभी 15 सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी। कर्नाटक में सरकार बचाने में कामयाब होती दिख रही है बीजेपी सरकार, 12 सीटों में बीजेपी को बढ़त। सरकार बचाने के लिए सीएम येदियुरप्पा को कम से कम 7 सीटों पर दर्ज करनी होगी जीत, एक सीट का आया फैसला, बीजेपी ने हासिल की जीत। कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर आ गए, जेडीएस और निर्दलीय एक एक सीट पर आ गए। कर्नाटक उपचुनाव के नतीजे के एक दिन पहले शिरडी के दौरे पर आए पूर्व प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा, साई दरबार में लगाई हाजिरी। भारी घमासान के बीच आज संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक होगा पेश, 12 बजे गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में रखेंगे बिल। बीजेपी ने जारी किया व्हिप, सभी सांसदों को एक सप्ताह तक संसद में रोज आने का फरमान। सिटीजनशिप बिल, कांग्रेस सांसद शशि थरूर का बयान, बिल का पास होना बापू के विचारों पर जिन्ना की जीत होगा। थरूर ने कहा विधेयक अगर संसद में पास हुआ तो सुप्रीम कोर्ट संविधान की मूल भावना का नहीं होने देगी उल्लंघन। मायावती की लखनऊ में बीएसपी नेताओं के साथ बैठक, नागरिकता संशोधन बिल का विरोध करेगी पार्टी। कांग्रेस नेताओं की कल शाम 10 जनपद से बैठक, कहा यह बिल संविधान के खिलाफ, धर्म के आधार पर देश को बांटने की साजिश। नागरिकता संशोधन बिल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा यह बिल उनके लिए है जिनकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं, लेकिन वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान या बांग्लादेश में रहने लगे। शिया समुदाय ने कहा वो एनआरसी के समर्थन में, लेकिन नागरिकता संशोधन बिल में पाकिस्तान अफगानिस्तान के अल्पसंख्यकों में शियाओं को करें शामिल। असम में बिल पर बवाल जारी, असम छात्र संघ ने मुख्यमंत्री को दिखाए काले झंडे। एएमयू छात्र संघ ने नागरिकता संशोधन बिल का किया विरोध, मौलिक अधिकारों के खिलाफ, जो समर्थन कर रहे हैं वो देश विरोधी। डिब्रूगढ़ में असम गण परिषद ने बुलाई नागरिकता संशोधन बिल को लेकर बैठक, जबरदस्त हंगामा। असम के बोगईगांव में अखिल असम छात्र संस्था ने निकाला मशाल जुलूस, नागरिकता संशोधन बिल का विरोध। बेंगलुरु में भी नागरिकता संशोधन बिल का विरोध बताया गया मुस्लिम विरोधी। इम्फाल में भी बिल के विरोध में हंगामा, सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी। नागरिकता संशोधन बिल के साथ एनआरसी पर भी सियासत तेज, आसनसोल में टीएमसी ने विरोध में निकाली बाइक रैली। दिल्ली के फिल्मिस्तान में कल लगी आग, आज फिर सुलगी, लेकिन कल 43 जिंदगियां निगलने वाले हादसे में मरते वक्त बिजनौर का मुशर्रफ नाम का शख्स लोगों को जिंदगी के मायने समझा गया। खत्म होने वाला आज, खत्म होने वाला, आग लगने वाली है भैया आज, ये करोल बाग मोनू से नंबर ले लियो, वो जो मोनुआ का गुलजार, हाँ इस टाइम कमरा ना है, भागना कहीं रास्ता नहीं, आग लग गई। मरने से पहले मुशर्रफ को अपनी जिंदगी से ज्यादा अपने परिवार की थी फिक्र, उसने फोन पर अपने दोस्त मोनू को परिवार के बड़े होने तक बच्चों की परवरिश की फरियाद की। और किसी को भरोसा नहीं था, भरोसा करके जैसे भी चलवा होगा घर है नी, बड़े होने तक बच्चे तक के जैसे भी करेंगे। हादसे में बजे अफजल ने बताया फैक्ट्री से बाहर निकलना मुश्किल, खिड़की की दरार से ले रहा था सांस, कपड़े से ढका था मुंह। दिल्ली के फिल्मिस्तान में फिर से लगी आग, 24 घंटे बाद भी निकल रहा है धुआं, दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दिल्ली के दर्दनाक अग्निकांड पर बिहार तक हाहाकार, हादसे में 43 लोगों की गई जान, अब तक 29 शवों की हो गई है पहचान, घायलों में से 13 की हालत गंभीर। दिल्ली के 5 अस्पतालों में भर्ती घायलों का इलाज, 25 से ज्यादा लोगों का हुआ रेस्क्यू। फैक्ट्री को नहीं मिला था नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, पूरी तरह से सील थी इमारत। दिल्ली के अनाज मंडी में आग से सहरसा के 7 लोगों की मौत, पूरे गांव में पसरा मातम। इसी फैक्ट्री में फैक्ट्री चलाने वाले जुबैर का घर, जैकेट बनाने का करता था काम। दिल्ली अग्निकांड मामले में 2 गिरफ्तार, बिल्डिंग के मालिक मोहम्मद रेहान और मैनेजर फुरकान को पुलिस ले आई थाने। मोहम्मद रेहान के दोनों भाई शान और इमरान भी हिरासत में, जारी है पूछताछ।
दमकल कर्मचारी राजेश शुक्ला ने अकेले 20 घायलों का किया रेस्क्यू, कंधे पर उठाकर निकाला बाहर। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी नेता अरुण शौर्य से की मुलाकात, सिर में चोट लगने के बाद अस्पताल में थे भर्ती। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल गीता महोत्सव में शामिल होने आए, कुरुक्षेत्र ब्रह्म सरोवर में दीपदान आरती में शामिल। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और पूर्व डिप्टी पर दिखे साथ साथ, सोलार में एक शादी समारोह में 20 मिनट तक हुई फडणवीस और अजीत पवार की बात। मुंबई के आर्य कॉलोनी पर देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस का ट्विटर लिखा, शिवसेना तभी पेड़ कटवाती है जब उसे कमीशन मिलता। पूर्व मुख्यमंत्री की पत्नी की ट्वीट पर भड़के शिवसेना, प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, महाराष्ट्र बीजेपी के नेताओं को है झूठ बोलने की बीमारी। सोनिया गांधी नहीं मनाएंगे अपना 73वां जन्मदिन, महिलाओं के उत्पीड़न के बढ़ते मामले की वजह से फैसला। चेन्नई में कार्यकर्ताओं ने मनाया कांग्रेस अध्यक्ष का जन्मदिन, फ्री आई कैप लगाया। बागपत में कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने बीजेपी सरकार को बताया तानाशाह, का विपक्ष बिखरा, नए नेतृत्व की जरूरत। मध्य प्रदेश के ब्यावरा में प्रभारी मंत्री जयवर्धन सिंह का बयान, जिन लोगों की विचारधारा गोडसे की है उनके लिए इस देश में कोई जगह नहीं। साध्वी के ब्यावरा आने की खबर से शहर में महात्मा गांधी के लगे पोस्टर, कांग्रेस विधायक गोवर्धन दांगी ने गांधी साहित्य भेंट देने की थी तैयारी। उन्नाव में गैंगरेप पीड़िता का हुआ अंतिम संस्कार, कड़ी सुरक्षा के बीच निकली थी अंतिम यात्रा। परिवार को 35 लाख का मुआवजा, बहन को सरकारी नौकरी का ऐलान, थाना इंचार्ज समेत 7 पुलिस वाले सस्पेंड। उन्नाव और कानपुर देहात की गैंगरेप घटनाओं को लेकर कानपुर सिटी में कैंडल मार्च, प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मिले पीड़ित परिवार से। अजय कुमार लल्लू ने योगी सरकार पर उठाए सवाल, इंसाफ के लिए पीड़ित परिवार कितने दिन लगाएंगे थाने के चक्कर। लखनऊ में उन्नाव पीड़ित को श्रद्धांजलि देने के समाजवादी पार्टी ने निकाला कैंडल मार्च, सरकार से इंसाफ देने की गुहार। उन्नाव के बाद लखनऊ में रेप पीड़ित ने जहर खाकर जान लेने की कोशिश की, ट्रॉमा सेंटर में भर्ती आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में युवती को जिंदा जलाने की घटना, दंगी के विरोध में आरोपी शख्स ने लगाई आग। पुलिस के मुताबिक 85 फीसदी जल चुकी है पीड़ित, अभी तक नहीं हो सका है लड़की का बयान, आरोपी गिरफ्तार। बिहार के दरभंगा में 5 साल की रेप पीड़ित से मिलने पहुंची राज्य की महिला आयोग अध्यक्ष दिलमणि मिश्रा, लोगों ने वापस जाने के लगाए नारे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में नाबालिग के साथ दरिंदगी, 2 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों में एक नाबालिग। अहमदाबाद में छात्राओं ने मंचले को सिखाया सबक, सरे आंख की धुनाई। वाराणसी में महिला को दबंग ने दी गोली मारने की धमकी, बंदूक के साथ आरोपी सीसीटीवी में कैद। छत्तीसगढ़ के जशपुर में छात्राओं ने शिक्षक पर लगाया यौन शोषण का आरोप, का शारीरिक संबंध बनाने के लिए दबाव बनाते हैं शिक्षक। बागपत में सैलरी न मिलने से नाराज कर्मचारी का हंगामा, कैरोसिन लेकर टंकी पर चढ़ा। ड्रग तस्करी मामले में कुल्लू पुलिस को बड़ी कामयाबी, दिल्ली से पकड़े गए 2 नाइजीरियन। हरदोई में जमीन विवाद में 7 साल के मासूम को जलते अलाव में फेंका, मासूम की हालत नाजुक। मध्य प्रदेश के रायसेन में स्टेट बैंक से 5 लाख लूट वाले 4 आरोपी चढ़े पुलिस के हाथे, सीसीटीवी में दर्ज हुई थी वारदात। उत्तर प्रदेश के कासगंज में आधा दर्जन से ज्यादा मोर की मौत, केमिकल मिला पानी पीने से मौत की आशंका। हरियाणा के रेवाड़ी में पुलिस के हाथे चढ़े 4 लुटेरे, ज्वेलर्स को चाकू मारकर की थी लूट की वारदात। बाराबंकी में सड़क पर आवारा सांड बचाने के चक्कर में टकराई गाड़ियां, 2 की मौत, 7 घायल। रेवाड़ी के नंदरामपुर में मिला दिल्ली से गायब लड़की का शव, लड़की को मारी गई है 6 गोलियां, परिजनों ने जताई दुष्कर्म के बाद हत्या की आशंका। वडोदरा में पुलिस के हत्या चढ़े रेप के 2 आरोपी, परिवार ने आरोपियों के लिए मांगी फांसी। लखनऊ में 18 साल की लड़की से घर में घुसकर गैंगरेप, लड़की ने जहर खाकर दी जान देने की कोशिश, हालत गंभीर। गुरुग्राम में मानेसर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। दिल्ली में पकड़ी गई नशे की खेप, 85 किलो गांजे के साथ मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर में महिला की गला दबाकर हत्या, खेत में मिला शव। गोंडा में मामूली विवाद में दबंगों का उत्पात, रेस्टोरेंट में की जमकर तोड़फोड़। बागपत में खोलती कढ़ाई में कूदने से महिला की मौत, महिला की मानसिक हालत नहीं थी ठीक। कानपुर में पलट गया सवारियों से भरा ई रिक्शा, 1 महिला की मौत। जोधपुर में दबंग मंचलों के खिलाफ छात्रा ने लगाई सीएम से गुहार, सीएम ने कमिश्नर से मांगी रिपोर्ट। दिल्ली के नजफगढ़ में ठगों का प्लान फेल, एटीएम में लगाई गई चिप, महिला ने पकड़ी, पुलिस ने जब्त की चिप। अमेठी में बुजुर्ग के पत्थर से कुचलकर हत्या, पुलिस कर रही है हथियारों की तलाश।
राजस्थान के सवाई माधोपुर में महिला से गैंग रेप, आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में गैंग रेप की पीड़िता पर आरोपियों ने ही फेंका तेजाब, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। मध्य प्रदेश के भिंड में घर में घुसे युवक को लोगों ने पेड़ से बांधकर पीटा, पिटाई का वीडियो वायरल। यूपी के औरैया में दबंगों ने छात्रा का अपहरण कर किया गैंग रेप, पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। आजमगढ़ में पुलिस कमिश्नर रोमियो मजनू महिलाओं पर फप्तियां कसने वाले आरोपियों को कराई उठक बैठक। दिल्ली के नांगलोई में मामूली विवाद में बदमाश ने युवक को मारा पेट में चाकू, युवक की हालत गंभीर। हैदराबाद में मानवाधिकार आयोग की टीम के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, रविवार को जांच के लिए पहुंची थी मानवाधिकार की टीम। तिरुवनंतपुरम T20 में टीम इंडिया की हार, वेस्टइंडीज ने 8 विकेट से पीटा, 171 रन का था लक्ष्य। एक एक से बराबर हुई T20 सीरीज। आखिरी T20 मुकाबला 11 दिसंबर को मुंबई में। लैंडल साइमन से खेली 67 रन की शानदार पारी, लुइस ने बनाए 40 रन। इंटरनेशनल T20 में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में विराट कोहली ने छोड़ा रोहित शर्मा को पीछे। नागालैंड के मशहूर हॉर्नबिल फेस्टिवल में कार रैली की धूम, देशभर से 35 टीमों ने की शिरकत। सीरिया के इदलिब रूसी जंगी जहाज ने बरसाए बम, हमले में मारे गए 20 विद्रोही। फ्रांस की सड़कों पर सरकार के खिलाफ, सड़क पर उतरे कर्मचारी, पेंशन सुधार की मांग को लेकर मचाया उत्पात। स्विट्जरलैंड में बर्फीले तूफान से बचाव और राहत के लिए अभी से तैयारी, कुत्तों को दी जा रही खास ट्रेनिंग। मैड्रिड की सड़कों पर दिखा अनोखा विरोध प्रदर्शन, दुनिया के बिगड़ते पर्यावरण के खिलाफ प्रदर्शनकारियों ने डांस कर रोका रास्ता। बुडापेस्ट में मछलियों के लिए सैंटा ने लाए उपहार, शार्क मछलियों को मिला क्रिसमस का तोहफा।